दूर किसी जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। वो हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करते थे। उसी जंगल में चार दोस्त रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम लाडू चिड़िया था, जो जंगल के सभी पक्षियों में सबसे समझदार और दयालु चिड़िया थी। दोस्तों, कल मैं और कालू भैया नदी के किनारे पानी पी रहे थे, तभी वहाँ पर सहारा जंगल के कुछ परदेसी पंछी आए और उन्होंने कहा कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हम सब पंछियों को अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए, साथ साथ हमारे घोंसले भी हमें पक्के करने चाहिए। अरे लाडो बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ठंड तो हर साल आती है और हम यूं ही सर्दी गुजार लेते हैं, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। रानो, मैं चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि इस साल ठंड के साथ साथ बहुत बड़ी बर्फबारिश भी होने वाली है, जो हमारे जंगल में पहले कभी नहीं हुई। और रही बात इस बात की सच्चाई की, तो मुझे लगता है कि परदेसी पंछियों को हमसे ज्यादा मौसम की जानकारी है, क्योंकि वो दूर दूर तक सफर में जाते हैं। लाडो, तुम सही कह रही हो, बर्फबारिश हो भी सकती है, इसलिए हम सभी को ठंड से बचने का इंतजाम कर लेना चाहिए। तो चलिए बहनों, हम सभी को अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। इस तरह सभी पक्षी लाडो चिड़िया की बात मानकर भोजन इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। इधर कालू कौवे का भाई भूरा घोड़े बेचकर सो रहा था। वो बहुत कामचोर कौवा था, वो दिन भर सिर्फ सोया रहता था, इससे कालू कौवा बहुत चिंतित रहता था। भूरे को दोपहर तक सोता दे उसका भाई कालू कौवा उसे उठाने आ गया। भूरे, अरे ओ भूरे, उठ जाओ, दोपहर हो गई है, क्या काम चोरों की तरह दिन भर सोए रहते हो? अरे उठ रहा हूँ ना कालू भैया, अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे है, अभी भी पूरा दिन बाकी है, ऐसा कहकर भूरा उठ जाता है। भूरे, मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे परदेसी पंछियों से खबर मिली है कि इस बार जंगल में बर्फबारिश होने वाली है, इसीलिए हमें हमारा भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए और सर्दी से बचने के लिए घोंसला भी तैयार कर लेना चाहिए। कालू भैया, तुम जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ठंड से कुछ नहीं होगा। सोच ले भूरे, मैं तुम्हारे लिए दाना नहीं लाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं तो चला सोने, ऐसा कहकर भूरा फिर से सो जाता है। कालू कौवा अनाज इकट्ठा करने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद लाडो, रानो, बुलबुल और मीनू मौसी अपने अपने घर वापस आ जाती है। लाडो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और कहता है, लाडो, आज तो मैंने तुम्हें दिन भर नहीं देखा। हाँ कालू भैया, आज मैं और बाकी सारे पक्षी अनाज इकट्ठा करने के लिए दूसरे जंगल गए थे, वैसे आप भी भोजन इकट्ठा कर लो, आपको तो पता है इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। हाँ लाडो, मैं भी अनाज इकट्ठा कर लूँगा, वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बोलिए ना कालू भैया, मैं आपकी क्या मदद करूँ? लाडो, तुम मुझे कुछ अनाज दे दो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। ठीक है कालू भैया। और फिर लाडो कालू कौवे को अनाज के दाने दे देती है। कालू कौवा खुश हो जाता है और अनाज के दाने लेकर अपने घर चला जाता है। सुबह हो जाती है। रानो, मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनको की कमी हो गई है, कल भोजन इकट्ठा करते वक्त मैंने तिनके की खोज की, पर मुझे बहुत कम ही तिनके मिले, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, मुझे नहीं लगता वो तिनके घोंसले बनाने के लायक है, मुझे भी कुछ खास नहीं मिला था, अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम वक्त पर हमारे घोंसले नहीं ठीक कर पाएंगे। क्या हुआ बहनों, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे लाडो, क्या बताऊं? मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है, मुझे और रानो को सही से तिनके नहीं मिले, अगर ऐसा ही हाल रहा तो सर्दी से पहले हम हमारे घोंसले नहीं ठीक कर पाएंगे, वैसे भी जब सर्दी आएंगी
तब का तब देख लिया जाएगा। हमारे घोंसले तो अभी तक मजबूत ही है। नहीं मीनू मौसी, हम यूं ही बैठकर सर्दियों का इंतजार नहीं कर सकते। हम तिनके जमा करने सहारा जंगल की तरफ जाएंगे। हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ठीक है लाड़ो, इस बार हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं। और सभी पक्षी उड़कर सहारा जंगल की तरफ चले जाते हैं। भूरा कौवा उन्हें छुपकर देख रहा था। वो हंसते हुए कहता है, बड़े आए समझदार, यूं ही अपना सारा दिन बेकार के काम करने में लगे रहते हैं। समझदार तो मैं हूँ, जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। इधर लाडो चिड़िया तिनको की खोज में बहुत दूर आ जाती है। बहुत देर तक उड़ने पर भी लाडो को तिनके नहीं मिलते। तभी लाडो चिड़िया को जमीन पर बहुत सारे मशरूम दिख जाते हैं। इतने सारे मशरूम देख लाडो चिड़िया चौंक जाती है और वो उस मशरूम के पास चली जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े मशरूम है। इतने बड़े मशरूम मैंने आज तक नहीं देखे। मशरूम को देख लाडो चिड़िया को एक आइडिया आ जाता है। ये मशरूम तो बहुत बड़े हैं। क्यों ना मैं उसे अंदर से खोखला कर अपना घर बना लूं, जिससे कि मुझे तिनके भी नहीं खोजने पड़ेंगे और हम बर्फबारी से भी बच जाएंगे। क्यों ना मैं अपने दोस्तों को जाकर इस मशरूम के बारे में बताऊं, जिससे वो भी अपना घर इस मशरूम से बनाए। लाडो चिड़िया अपने दोस्तों के पास आ जाती है और वहाँ पहुंचकर मशरूम के बारे में बताने लगती है। सभी को लाडो का आइडिया पसंद आता है। कुछ ही देर में लाडो और उसके साथी मशरूम को खोखला कर अपना अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पर अनाज लाकर रहने लगते हैं। एक दिन भूरा कौवा उनके पास आ जाता है और मशरूम के बने घरों को देखकर हंसने लगता है। अच्छा, तो यहाँ हो तुम लोग, और क्या यही है तुम्हारा मशरूम वाला घर? मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों ने कोई अच्छा घोंसला बनाया होगा। नहीं नहीं भूरे जी, ये अंदर से बहुत मजबूत है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो अंदर जाकर देख लो। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा ऐसे बकवास मशरूम के घरों में। तुम सब मजे से रहो, मैं तो चला। हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब बर्फबारिश होगी तब हम में से कोई तुम्हें अपने घर में नहीं लेगा। बड़ा आया हमारे घरों का मजाक उड़ाने वाला। नहीं मांगूंगा मैं तुम सबसे मदद। तुम सब मत रहो ऐसी गलतफहमी में कि बर्फबारिश होगी। और फिर भूरा वहाँ से उड़कर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सर्दियों का मौसम आ जाता है। सब तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। सभी पंछी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। इधर भूरा पहले तो ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी अब वो परेशान होने लगा था। कुछ ही देर में बर्फबारिश भी शुरू हो जाती है, जिसे देख भूरा और भी ज्यादा घबरा जाता है। अरे अरे, ये अचानक से इतनी सर्दी कैसे बढ़ गई, और अब तो बर्फबारिश भी शुरू हो गई। मैंने गलती कर दी, जो मैंने लाडो की बात नहीं मानी। लाडो ने ठीक ही कहा था कि इस बार बर्फबारिश भी होगी। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूँ, मैं लाडो चिड़िया के पास चला जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। ऐसा सोचकर भूरा लाडो के पास जाने ही वाला था कि तभी लकड़ी का टुकड़ा उसके सिर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बर्फबारिश के कारण भूरा कौवा बर्फ में दबने लगता है। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी तो अपने मशरूम वाले घरों में थे। सिर्फ भूरा ही था, जिसने अपना घोंसला मजबूत नहीं किया था। लाडो को भूरे की चिंता होने लगी थी। हम सब पक्षियों ने तो अपने मशरूम वाले घर बना लिए, सिर्फ भूरे ने ही नहीं किया। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर उसे देखती हूँ कि उसने रात वाले तूफान का कैसे सामना किया। लाडो भूरे के घोंसले के पास आ जाती है। उसने देखा कि भूरा बर्फ में जमा हुआ था। अरे ये क्या हो गया, भूरा तो बर्फ में दबा हुआ है।
और इसके सिर पर तो चोट भी दिख रही है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से सभी को बुला कर लाती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो भी हमारे साथ मशरूम के घर में रहे, पर वो कहा मानने वाला था। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और अब देखो भुगत रहा है ना। वो सब रहने दो मीनू मौसी, अब हमें भूरे को ठीक करना होगा। ठीक कहा तुमने लाडो, मैं जाकर डॉक्टर उल्लू चाचा को बुला कर लाता हूँ। कालू भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। उल्लू चाचा, अरे ओ उल्लू चाचा, जल्द से दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू, थोड़ी इमरजेंसी है। कालू की ये बात सुनकर उल्लू चाचा बाहर आ जाते हैं। अरे कालू तू, और कैसे इमरजेंसी है? कालू सारी बातें उल्लू चाचा को बता देता है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लेकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। इधर सभी पंछियों ने मिलकर भूरे को बर्फ से बाहर निकाल लिया था। सभी भूरे के पास आ जाते हैं। उल्लू चाचा भूरे को दवाई पिला देते हैं और उसकी मलम पट्टी कर देते हैं। भूरा सभी पंछियों को अपने पास देख बहुत खुश हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम चिंता मत करो, हम सभी पंछी मिलकर तुम्हारे लिए एक मशरूम का घर बना देंगे। सभी पंछी मिलकर भूरे कौवे के लिए एक मशरूम का घर बना देते हैं। फिर सभी पंछी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों